वहीं राजस्थान के टोंक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता का एक साल पूरा होने पर बीजेपी ने विजय संकल्प दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन उससे पहले हजारों कांग्रेसियों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। निश्चित है आज यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और उनके ही नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगा के लगाने वाले हैं और राजस्थान के अंदर 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीतकर हर बूथ को 370 वोटों से जीतकर और 5 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा जीतने का संकल्प कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया।